सत श्री अकाल फ्रेंड्स, हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, मैं अपने चैनल में रोज नई नई किचन टिप्स और यूनिक सी रेसिपीज लाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही यूजफुल किचन टिप्स। आलू को बॉईल करने की बहुत ही अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आलू को बॉईल करते हैं जब हम, तो वो काफ़ी चिपचिपे से हो जाते हैं, जिससे कि हम पराठे वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना तो वो फटते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ये मैं आलू को बॉईल करने की बहुत अच्छी टिप शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपने क्या करना है, देखिए मैंने आलू लिए हैं, आप किसी भी साइज़ के आलू ले सकते हो। तो ये मैंने छोटे, बड़े, मीडियम सारे साइज़ के ले लिए हैं। तो अब ये मैंने लिया है पानी, इसमें हम डिप करेंगे कोई साफ सा किचन टॉवल। इसको निचोड़ लेंगे और अब एक डिब्बा ऐसा लेंगे, बॉक्स, जो कि हमारे कुकर के अंदर पूरा आ जाए। तो ये देखिए मैंने इसके अंदर अब किचन टॉवल को बिछा दिया है। इसमें हम रख लेंगे सारे आलू और अच्छी तरह से कवर कर देंगे। तो अब कुकर में लेंगे थोड़ा सा पानी, एक गिलास के करीब पानी डाल लेंगे। इसमें रख देंगे हम आलू को, ये बर्तन रख देंगे और कुकर को बंद करके हम इसमें 2 से 3 विसल तक लगवाएंगे। ये डिपेंड करेगा कि आपके आलू कितने हैं या साइज़ में कितने बड़े हैं, उस हिसाब से विसल आपको लगवानी पड़ सकती है। तो ये देखिए मैंने आलू को बॉईल कर लिया है। अब मैं आपको इसको कट करके भी दिखा रही हूँ। देखिए आप कितने अच्छे तरीके से ये बॉईल हो गए हैं। इससे पहले भी आलू को बॉईल करने की मैंने टिप आपके साथ शेयर की हुई है, तो ये भी टिप बहुत अच्छी है। आप सब इसको करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। अगली ये जो मेरी टिप है आपके बहुत काम आएगी, ये है मिरर और गिलास को साफ़ करने की। टेबल के ऊपर जो गिलास लगा होता है या विंडो पे गिलास लगे होते हैं ना, उसको साफ़ करने का सॉल्यूशन बनाएंगे। जो हम मार्केट से बहुत महंगे महंगे कोलीन वगैरह लाते हैं ना, उसकी तरह ही ये काम करेगा। इसके लिए आपने एक पैन में पानी डालना है, ये मैंने एक गिलास पानी डाला है। इसमें डालनी है चाय पत्ती, 1/4 टीस्पून चाय पत्ती में डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें टी बैग का भी यूज़ कर सकते हो, एक टी बैग डाल लेना। इसमें बस 2 से 3 बॉइल आएंगे तो गैस को बंद करना है। जब ये ठंडा हो जाए ना तो इसको आपने छानना है। इसके बाद आपने इसको डालना है एक स्प्रे वाली बॉटल में। आजकल जैसे घर में काफ़ी स्प्रे बॉटल होती हैं, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना, उसमें इसको डाल लेना। अब इससे आप साफ़ कर सकते हो, जैसे टेबल के ऊपर जो ग्लास लगा होता ना, ये मैं आपको साफ़ करके बता रही हूँ। इसमें आपने डालना है थोड़ा सा स्प्रे करेंगे इस सॉल्यूशन को, ऊपर से आप एक कपड़ा साफ सा ले लेना डस्टिंग का, उससे इसको साफ़ करेंगे तो इसमें जो भी दाग धब्बे होते हैं और गंद होता है ना, सारा हट जाता है। इससे आप मिरर भी साफ़ कर सकते हो। मिरर के ऊपर सबसे ज़्यादा तंग करते हैं पानी के ही निशान, छोटे छोटे से पानी के जो निशान हो जाते हैं ना, वो हटते नहीं आसानी से। इससे आप साफ़ करेंगे तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाते हैं। ये जो मेरी टिप है ना, ये बहुत ही यूज़फुल है, बहुत काम आने वाली है। ये है कॉर्नफ्लावर बनाने की। कॉर्नफ्लावर, जिसको कि हम कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं ना, इसको हम घर पर बनाएंगे। इसका यूज़ हम बहुत सारी रेसिपीज़ में करते रहते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपने भुट्टे लेने हैं। भुट्टे आप कोई भी ले सकते हो, स्वीट कॉर्न वाले लें या ये हार्ड वाले हैं मेरे पास, ये लें, कोई भी ले सकते हो। तो भुट्टों को छील तो मैंने लिया है, अब इसके दाने अलग करने हैं। इसके दाने निकालना मुश्किल काम रहता है, तो इसको ईजिली कैसे निकालें, इसकी वीडियो मैंने अपने चैनल पर दी है। तो वीडियो के एंड में उसका लिंक मैं दे दूँगी, आप उसको देख कर निकाल सकोगे। अब ये देखिए मैंने इसके दाने निकाल लिए हैं। सबसे पहले तो इनको हमने वॉश करना है 2-3 बार अच्छी तरह से। अब इसको भिगो कर रखना है। तो देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अगर आप स्वीट कॉर्न वाले लेंगे ना भुट्टे, तब तो आपने इसे सिर्फ 2 घंटे ही भिगोना है। और ये मैंने हार्ड वाले लिए हुए हैं, जो नॉर्मल भुट्टे आते हैं ना वो लिए हैं, तो इसका दाना बहुत ज़्यादा हार्ड है ना, इसलिए इसको मैं ओवरनाइट के लिए भिगो रही हूँ। बस यही अंतर आएगा यहाँ पर स्वीट कॉर्न वाले भुट्टों में और नॉर्मल भुट्टों में, बाकी कोई अंतर नहीं आएगा। पूरी रात भिगोने के बाद अब ये जो भुट्टे के दाने हैं ना, थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसको हमने पीसना है, तो मिक्सी का बड़ा वाला मैंने जार लिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दाने हैं इसलिए। तो इसको मैं इसमें डाल रही हूँ, सारे दाने डाल देंगे और साथ में इसमें अब डालेंगे पानी। तो पानी आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन अभी मैं 1 गिलास ही डाल रही हूँ, जिससे कि इनको पीसना आसान रहेगा। अब इसको हमने छानना है, तो इसके लिए मैंने स्ट्रेनर ली है। इसमें डालते जाएंगे और अच्छी तरह से स्पैचुला से दबा दबा कर करेंगे। चाहे तो आप इसे हाथ से भी कर सकते हो दबाकर, या फिर आप एक पतला सा कपड़ा ले सकते हो, साफ सा कपड़ा ले लेना, उससे आप इसे छान सकते हो। अगर आप कपड़े से छानोगे ना, तब तो आपको एक ही बार छानना होगा,
पर अगर आप मेरी तरह स्ट्रेनर से करोगे ना तो फिर आपको दो बार छानना होगा। अब ये देखें, एक बार मैंने इसे छान लिया है और ये काफ़ी सारा ये जो फोक सा बच गया है ना, ये आपको डिस्ट्रॉय करना होगा। अब इसको दूसरी बार छान लेंगे तो इसके लिए मैंने जो स्ट्रेनर लिया है ना, ये दूध छानने वाली है। दूध छानते हैं ना, इसके जो होल होते हैं ना काफ़ी बारीक पतले होते हैं ना, इसलिए इससे आप छान लेंगे। चाहे तो आप चाय छन्नी से भी छान सकते हो। तो अब की बार ये देखें, जो थोड़ा सा बच गया है ना, ये आप यूज़ कर सकते हो। इसको आप सूप में भी डाल सकते हो या फिर आप इसे दाल बनाने में भी यूज़ कर सकते हो। येलो वाली जो दाल बनाते हैं ना, उसमें भी डाल सकते हो। ये जो तैयार हो गया ना, इसको 1-1.5 घंटे के लिए हमने कवर करके रखना है, जिससे कि पानी पानी जो है इसमें वो अलग हो जाएगा और नीचे स्टार्च जो इसमें है वो नीचे बैठ जाएगी। तो अब 1.5 घंटे के लिए मैं रख रही हूँ। अब 2 घंटे के करीब हो गया है तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए, एक और बाउल ले लिया है, इसमें हम इसके पानी को डाल लेंगे। बड़े आराम से आपने ये करना है कि इसका जो ऊपर का पानी पानी है ना वो इसमें चला जाए और जो नीचे स्टार्च है ना वो ना जाए। देखिए इस तरह से करेंगे। अब ये जो देखें आप येलो येलो पानी दिख रहा है ना, इसको निकालना है। जितना निकल जाए उतना ही अच्छा है। अगर ऐसे नहीं निकल रहा है ना तो आप स्पून या स्पैचुला कोई लेकर ना उससे निकाल देना। देखें इस तरह से। अब ये जो बच गया है ना, ये है हमारा कॉर्नफ्लावर। अब लेंगे एक बड़ी सी प्लेट, इसमें इसको फैलाना है। तो आपने देखा घर पर हम कैसे कॉर्नस्टार्च बना सकते हैं। तो कई लोग ये सोचते हैं ना कि कॉर्नस्टार्च किस चीज़ से बनता है, समझ नहीं आता, ये तो बहुत नुकसान करेगा, भुट्टे से बनता तो कैसे बन सकता है, वो तो येल्लो होता है। तो ये सारे आज आपके डाउट क्लियर हो गए हैं कि बहुत ही आसानी से कॉर्नफ्लावर भी घर पर बन जाता है। और अगर आपको मार्केट के कॉर्नफ्लावर पे लगता है कि उसमें कुछ मिलावट हो सकती है तो आप घर पर बना सकते हो। तो जैसे आजकल बहुत अच्छे भुट्टे आ रहे हैं तो आप इसको घर पर बनाकर स्टोर कर सकते हो। तो बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, अगर आप ज़्यादा बनाओ ना तो 2-3 प्लेट में भी फैला सकते हो। अब इसको धूप में हमने अच्छी तरह से सूखने देंगे। तो धूप नहीं आती है तो आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हो, बड़े आराम से सूख जाता है। 2 घंटे की धूप में ही बस ये सूख गया है। तो निकाल कर भी दिखा रही है, देखिए आप ऐसा हल दिख रहा है, जैसे चौक नहीं होती है उसी तरह का लग रहा है। तो चाहे तो आप इसे हाथ से भी क्रश कर सकते हो, लेकिन मैं इसको मिक्सी में पीस कर दिखाती हूँ। ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल नेचुरल है। तो इसको आप एयर टाइट बॉक्स में डालकर स्टोर कर सकते हो, जैसे कि हम दूसरे कॉर्नफ्लावर को स्टोर करते हैं ना उसी तरह से। ये जल्दी जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो आप इसे घर पर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगी। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।